अबे वो भिखारी की औलाद ट्रिगर्ड इंसान दूंगा मैं बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हर कोई चाहता है यूट्यूब चैनल पे मैं फेमस हो जाऊँ, वो भी फेमस हो जाए, मैं सब लोग चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी मैं ग्रो करूँ, मेरा चैनल ग्रो हो जाए, मैं फेमस हो जाऊँ और पैसा कमाने लगूँ। ऐसे ही एक बंदे ने सोचा फेमस हो जाऊँ किसी को गाली देकर या चाकू मार कर या जान लेकर। अब पानी टूपी कैसे फेमस हो, ऐसे ही एक बंदे ने सोचकर पता है किसको धमकी दिया है, ट्रिगर्ड इंसान को। और इस बंदे ने ट्रिगर्ड इंसान को गाली ही नहीं चाकू मारने की धमकी दी है, ट्रिगर्ड इंसान को जान लेने की धमकी दी है। और पता है कहाँ पे, यूट्यूब पर बोला है खुलेआम। और इस बंदे ने सीधा बोला है कि ट्रिगर्ड इंसान तू मेरे सामने आ गया तो चाकू पेल दूंगा। अरे बाप का राज थोड़ी चलता है, किसी को भी चाकू पेल देगा तू। चलिए इस बंदे को बताता हूँ इस बंदे ने क्या कहा है, कैसे बोला है, चलिए स्क्रीन पे। अबे वो भिखारी की औलाद ट्रिगर्ड इंसान छपरी समझ रहा है क्या बे साले? अभी ये देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्ड इंसान भिखारी का औलाद नहीं है, छपरी का औलाद नहीं है। इस बंदे को देखिए, अपने पीछे कपड़ा लगाया हुआ है। अगर ये बंदा और बैकग्राउंड भी चेंज नहीं कर सकता तो इससे बड़ा अब छपरी कौन होगा? ये सच में छपरी है, क्यों? अगर ट्रिगर्ड इंसान को छपरी बोला है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर, इतना ज़्यादा फेमस है और उसको छपरी बोल रहा है भिखारी का औलाद। जब किसी को लाख फॉलोअर्स हो जाए तो वो कितना कमाता है? बात तो सही है। और इस बंदे का, ट्रिगर्ड इंसान का यूट्यूब पर 16 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो ये कैसे भिखारी हो सकता है? और इस बंदे को देख लीजिए और ट्रिगर्ड इंसान को देख लीजिए, इन दोनों में से कौन भिखारी लग रहा है, क्या सोचकर बोल रहा है, इस किसी को भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए इस बंदे को आगे भी सुनते हैं क्या क्या कहता है। भाई मिल गया ना। अच्छा। भाई तेरे को दूंगा मैं बता रहा हूं। तो इस वाले को देख लिए, इसकी दांत भी शायद ही जड़ी होगी दूध की। तो इस बंदे ने पता है क्या कहा है, टिगड़े इंसान को चाकू पेल दूंगा। अरे बाप का राज चलता है क्या तेरी? बात तो सही है, टिगड़े इंसान को चाकू पेल देगा। अगर टिगड़ इंसान तेरे बेड शरीर पे बैठ भी गया ना तो तू वहीं पे जान त्याग देगा। वो वीडियो में सिर्फ छोटे दिखते हैं और रियल में देख के क्या ना तो इस उनका हाथी जैसा शरीर है, अगर तेरे शरीर पे बैठ भी गया ना तो वहीं पे दांत चियार देगा। और गधे जी, गधे की गाय जैसी तेरी शक्ल है और तू कहता है कि ट्रिगर्ड इंसान को चाकू पेल लूंगा। अरे उसके पास जाने के लिए नहीं तेरे तुझको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तुझसे भी तो मिलेंगे भी नहीं। वो देखा कि कितने हजार किलोमीटर साइकिल चला के आया था उसका फ्रेंड कि वो उससे मिले, नहीं तो वो भी नहीं मिलते, उनके पास टाइम ही नहीं यार तेरे जैसे लोगों से अपने टाइम लस्ट कर रहे। बात तो सही है। और तू कहता चाकू पेल लूंगा, बाप कह रहा चला है। तो सबसे पहले तुझे उसने बिगाड़ा क्या है टिकट इंसान ने, तेरे जैसे इंसान पर तो उसके भी को थोड़ी केयर भी नहीं जाती होगी। तो और तू बोल रहा है कि चाकू पेल लूंगा, तेरे बिगाड़े कुछ भी बिगाड़े नहीं है। तुम लोग पता है क्या कर रहे हो? एक बार और इसकी वीडियो देखते हैं, देखिए। अबे वो भिखारी की औलाद ट्रिगर्ड इंसान छपरी समझ रहा है क्या बे साले? बे साले तुझे क्या ही बताऊं, तू भाई मिल गया ना भाई तेरे को चल दूंगा मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ट्रिगर्ड इंसान तो तुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तेरी औकात नहीं कि उनसे मिल ले। और तू बोल रहा है कि चाकू कुछ भी हवा ताल में कुछ भी बोल लो और फेमस होने के लिए कुछ भी। यार क्या क्या बोल रहे हो यार, कुछ देख लो कि कहाँ पे बोल रहे हो। YouTube है यार, ये टिकट इंसान ने एक कॉल कर दिया ना बम्बई पुलिस में तो तेरी क्या क्या हालत होगी तुझे नहीं पता होगा। और तू दिख रहा है कि तू एक गरीब परिवार से, पतला छोटा सा, 5 फीट से कुछ ज़्यादा इंच होगा, 5-8 यहीं तक होगा, और तू बोल रहा है कि मार डालूंगा। अगर उसने एक बार कॉल करके कह दिया ना तू घर में से उठकर चल जाएगा जेल। और बात तो सही है, तू बोल रहा है कि चाकू पेल लूंगा। क्या यूट्यूब चैनल है इसका? नया यूट्यूब चैनल बनाया है और यूट्यूब चैनल बनाकर सीधा ट्रिगर्ड इंसान सिर्फ गाली ही दे रहा है, माँ बहन सबको गाली दे रहा है। तो चलिए वो भी देखते हैं। ये देखिए, ट्रिगर्ड इंसान सिर्फ गाली दे रहा है, सब वीडियो उन पे ही है ट्रिगर्ड इंसान। ये देखिए सब वीडियो ट्रिगर्ड इंसान। अरे क्या किया है उसने,
कुछ भी तो नहीं, फेमस हो गया तो समझ जाएगा तू, गाली देकर मैं आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और तुम लोग का ये सोच है ना कि गाली दे दूँ, मारने की धमकी दे दूँ और फेमस हो जाऊँ। आज तक तो फेमस हो जाएंगे, 15 दिन तक तेरी ट्रेंडिंग चलेगी, और क्या होगा, थोड़ी फेमस हो जाओगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, और तुम लोगों का क्या होगा पता है, अभी व्यूज मिल रहा है और एक 15-20 दिन में ये ट्रेंडिंग हट जाएगी, तुम्हारी वीडियो किसी को पसंद नहीं आएगी, फिर ऊपर से नीचे झड़ते चल जाओगे, और तुम लोग बोलोगे मैं गरीब हूँ, गलती हो गया, माफ़ कर दो गाइज, अब से मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा, कंटेंट बनाऊंगा, आप लोगों को खुश करूंगा, प्लीज बने रहिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, समझ रहे हो, ऐसे करके तुम लोग फेमस होने के सोच रहे हो, तो ये तुम्हारी बहुत ही मंदबुद्धि है। और आप लोग गाइज ऐसी गलती तो कभी भी मत करना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अपराध है, आपको जेल भी हो सकती है। तो इस बंदे ने बहुत ही, और इन लोगों को ट्रेनिंग किस लोगों को देकर ऐसे ऐसे यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा है पायल जोन, इसको जब ये पायल जोन नहीं, ये पागल जोन है, ये पहले आई थी टेक चैनल लेकर और बोर्ड पर वीडियो बना रही थी, और बोर्ड पर वीडियो बनाते ऐसे वैसे और एक ट्रिगर्ड इंसान का एक दोस्त है जो ब्लॉग वीडियो बनाता है, इसका हर वीडियो ट्रिगर्ड इंसान इनके दोस्त उन्हीं पर वीडियो रहता है। सौरभ जोशी ने मेरा टांग काट दिया, तो मेरा नाक काट दिया, ये देख लीजिए सौरभ जोशी ने मेरे साथ क्या किया है, जो भी कुछ है आपके सामने है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे फेक बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो मेरे मुंह पर एसिड फेंक दिया, मेरे दादी को मार डाला, मेरे घर में आग लगा दिया, अबे क्या क्या सोच रही है तू, ऐसे कर फेमस हो जाएगी, व्यूज ले लेगी तो क्या हो जाएगा, और तुम लोग कहाँ तक व्यूज के लिए नीचे गिर सकते हो, ये सब देखने के लिए ये सब लोगों ने तुम लोगों को सब्सक्राइब किया, नहीं तो ये लोग ना तुम लोगों को कंटेंट देखकर, नहीं तुम लोगों को पसंद करके नहीं ये सब सब्सक्राइब किए हैं, तुम लोग कितने नीचे गिर सकते हो व्यूज के लिए, ये सब देखने के लिए, सब जानने के लिए सब्सक्राइब किया और डिसलाइक करने के लिए, ये तो यूट्यूब का कैसा है, तुम लोगों को सबसे पहले चैनल ही डिलीट कर देना चाहिए यार। बात तो सही है, ये ऐसा अगर नहीं होता रहा ना तो कसम से कह रहा हूँ बहुत लोग ना यूट्यूब छोड़कर भाग जाएंगे यार। यूट्यूब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ऐसे ऐसे लोगों को, नहीं तो कोई भी आएगा और किसी को भी गाली देगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर गाली देगा और फेमस होने के लिए कुछ भी करेगा, जान से मारने की धमकी देगा, चाकू मारने की धमकी देगा, और आप लोग ऐसे ऐसे लोग फेमस हो जाएंगे, और मैं अपने दम पर यार ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करो, तुम्हारे ही इज्जत नहीं रहेगी, तो दूसरे को क्या, और ऐसे पर तुम लोगों को कोई कौन सा प्रोडक्ट आया तुम लोगों को कुछ करने को देगा, जब तुम ही लोग फेंक रहोगे तो कोई भी प्रोडक्ट तुम लोगों को कुछ करने के लिए देगा ही नहीं, कि तुम ही फेंको तो सामान को कोई क्यों असली मानेगा। इस वीडियो को बंद करता हूँ यहीं तक, बाय।